चले तो सब आ गए। ओए क्यों हो गया तेनू है? ओए हम पिंड जा रहे हैं पिंड, और तेरे चेहरे पे खुशी नहीं है। आपने देखा ना जी कैसे अपशगुन हो गया, अच्छा संकेत नहीं है। इतने दिनों बाद पिंड जा रहे हैं, बेचैनी सी हो रही है, डर सा लग रहा है मैनू। ओए बेचैनी बेचैनी कुछ नहीं है मम्मी, वो सब तेरा वहम है, तू खामा खा घबरा रही है। बाहर का मौसम देख रहे हो, काले बादल छाए हुए हैं, मानो कोई काला साया हो। तो बिना वजह क्यों घबरा रही है? ओए देख तू ही तो कहती थी ना, और 100 पॉजिटिव बातों पर एक नेगेटिव बात भारी पड़ जाता है, और अब तो सारी पॉजिटिव बातों को भुला कर नेगेटिव के बारे में सोच रही है। तो तुसी दसो हुण की करा? कुछ नहीं करना है, बस रब दा शुक्र अदा कर, ओदे उत्ते भरोसा रख, ओ कुछ गलत नहीं होना है, कुछ नहीं। आपको पता है मैनू खुद की चिंता नहीं है, मैनू चिंता हो रही है संजू और परी की। जब से उनका विवाह हुआ है एक दिन ऐसा नहीं गया जब कोई मुसीबत ना आई हो। ओ मम्मी तो बिल्कुल परेशान मत हो, वो अंदर दोनों मजे में है, बिल्कुल खुश है, वो पूरा बाजवा खानदान खुश है। ओए माहौल भी तो देख कितना खुशनुमा है। ओए कल क्या होगा ये सोचकर अभी के जो खुशी के पल है ना उसे तो बर्बाद ना कर। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। चले चल आ जा। ओए क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मैं देख रही थी कि मौसम कैसे अचानक से इतना खराब नहीं हो गया। वैसे सिर्फ बाहर देखने से ऐसा लग रहा है कि मौसम खराब है, वरना अंदर देख सब लोग बस में कितने खुश हैं। और जब सब साथ में हैं खुश हैं तो फिर बाहर के मौसम से क्या फर्क पड़ता है ना? वैसे नीति तुझे पता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोग हमारे पिंड जा रहे हैं। हमारा बरनाला, कितनी यादें जुड़ी है ना हम दोनों की बरनाला से। और तुझे पता है मैं तो इसलिए चाहती थी कि ये गोद भराई हमारे पिंड में हो ताकि ये बच्चा हमारे पिंड के मिट्टी की खुशबू को महसूस कर सके। वो सब तो ठीक है परी, लेकिन तू तो अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर है, तेरी डिलीवरी की डेट कितनी पास आ गई है। ऐसे में ट्रैवलिंग, तुझे नहीं पता कि हमारे पिंड का रास्ता कितना खराब है। नीति तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ताऊजी ने बस ड्राइवर को बोल दिया है कि बस आराम से चलाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेकार में मेरे लिए इतना परेशान हो जाती है। मुझे तेरी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है परी, मुझे तो बस अपनी इज्जत की परवाह है। पिंड में सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि हम यहीं से वापस चंडीगढ़ लौट जाएं। अच्छा सॉरी, देख मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए बहुत पजेसिव है, और इसलिए तुम मुझसे गुस्सा है ना, और तेरा गुस्सा होना जायज भी है। लेकिन यार मैंने ना सबकी खुशी के बारे में सोचा, और डॉक्टर ने तेरे सामने कहा ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्यों टेंशन ले रही है यार? लो जी पूरा टब्बर ही निकल पड़ा बोरिया बिस्तर उठाकर पिंड की ओर। ये नहीं कि कोई बड़ों से सलाह मशवरा किया जाए, कोई उनकी राय ली जाए, जैसे मैं संसार में हूं ही नहीं, मर गई। और इसीलिए तो ये सब कुछ होता है, देखो ना कैसे ड्राइवर की आंख लग गई, कुछ भी हो सकता था ना। अरे समझो, ऊपर वाले के इशारे समझो, कि बड़ों को मान दो, उनका सम्मान करो, उनको ऐसे अनदेखा ना करो, नहीं तो कोई भी अनदेखी घटना हो सकती है, अनहोनी घटना हो सकती है तुम लोगों के साथ। मैं वॉर्न कर रही हूँ सबको, फिर नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं। बेबे आखिर गल की है, पिंड जाने में आपको परेशानी की है? हाँ ऐ तो चंगी गल है ना, आजकल की मॉडर्न लड़कियां पिंड जाना ही नहीं चाहती। हमारी बहू ने आगे से कहा कि उसे पिंड में जाकर गोद भराई करनी है। बात पिंड जाने की नहीं है मम्मी, बात मनमानी करने की है। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ अभी तक। अरे कोई पूछ, तू क्या देख रहा है मेरी तरफ घूर घूर के? वो बेबे आपके सफेद बालों से ना आपकी एज का अंदाजा लगा रहा था। मुझे जानना था कि आप मम्मी पापा से कितने बड़े हो। उल्लू द पट्टा है ये मोंटी, इसको ये नहीं पता इंसान की उम्र का अंदाजा सर के सफेद बालों से नहीं चली गई चालों से लगता है। और दिमाग तो मुझ में इतना है कि उसके बाप जैसे 36 चला दूं। लेकिन बेटा एक बार परी और नीति इन दोनों फुलझड़ियों से निपट लूं। बेबे छंडो ना इन सारी गलानू, आओ चाय पराठे खा लो। मुझे बख्श दो, तुम लोगों को जो करना है करो ना, मैंने मना किया है क्या?
के साथ इतना आ गई, बस यही बहुत बड़ी बात है। मैं बस में जा रही हूँ आराम करने के लिए। ताई जी, बेबी की प्रॉब्लम क्या है? सब इतना खुश थे, इतना खरा खोटी सुना दिया ना कि सबका मूड खराब हो गया। उनसे हमारी खुशी देखी क्यों नहीं जाती कभी भी? ओ चंद्रिका, ओ सब, ओ छोड़ो इन बातों को। लो, अमित भी आ गया। ले आवे ले, अब पराठे शराठे जल्दी से खा लो तो रवाना हो यहाँ से भाई। आप एक काम कीजिए, पराठे खोलिए, मैं चाय लेके आता हूँ। अच्छा। संजू चाय लेने जा रहा है, मैं भी साथ चली जाती हूँ। कुछ देर तो मौका मिलेगा मुझे संजू के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो किथे जा रही है? अत बैठ जा। इनको टोकना जरूरी होता है, जब देखो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती है। ये जी वो जीजू अकेले जा रहे हैं, इतने लोगों की चाय वो अकेले कैसे लेके आएंगे? तो मैं जाती हूँ, उनकी हेल्प कर देती हूँ, है ना? मैं आती हूँ। इस कुड़ी का मामला बिल्कुल सही नहीं लगता। मैंने पहले परी से माता की चुनरी उतरवा ली और अब सचू के पीछे पीछे। इसकी याददाश्त सच में गई है या फिर जो शक है मैंने कि ये नाटक कर रही है वही सही है। लेकिन परी का क्या करे, इतनी सीधी है। नीति उसे बेवकूफ बनाकर अपने बस में कर लेती है। परी पुत्र एथिया, जा पुत्र, तू भी जाकर संजू की मदद कर। ताई जी, वीती गई है ना राजीव के साथ, वो दोनों ले आएंगे। कल नो समझा कर, अपने पति के आसपास रहा कर। क्या मतलब? मतलब पुत्र, यही तो समय है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का। जा, और हाँ, वो नीति से ना वो चुनरी वापस ले लेना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इसी, मैं ऐसे कैसे मांग सकती हूँ? अरे जैसे दिया है वैसे ही वापस मांग ले पुत्र, इसमें परेशान होने वाली कौन सी कल है। मैं बेबी को लेकर आऊं। बात समझे कि नहीं है? वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है वीर जी। एक काम कीजिए, 10 से 12 लोगों के लिए स्पेशल इलायची और अदरक वाली चाय बना लीजिए। और हाँ, पानी कम दूध ज्यादा, मलाई मार के। तुम्हें पता है ना मुझे चाय में मलाई नहीं पसंद। मुझे चाय में मलाई नहीं पसंद जीजू। सब लोग कितना खुश होते हैं माँ की हंसी। पता नहीं वीर जी, फिर कभी माँ हमारी खुशियों में शामिल होंगी नहीं या? सुमत बोलो राजीव। आशी, तुमने देखा ना कैसे मम्मी जी ने अपना हाथ का मूवमेंट किया और रिस्पॉन्ड किया? इसका मतलब वो ठीक हो रही है। और तुम ना उनके रिस्पॉन्स को उनका आशीर्वाद समझो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तो भगवान जी का आशीर्वाद होता है ना। और तुम देखना, रब ना उन्हें जल्दी कोमा से बाहर निकाल दें और जल्दी वो हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। थैंक यू मुझे हमेशा हिम्मत देने के लिए और हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। है क्यों वाह? तुसे ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। नीति, नीति तो ठीक है? क्या हुआ तुझे? कोई भी हिलना मत। आगे खाई है, अब बस के दोनों टायर हवा में है। कोई हिलना मत। और जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैं ऐसे बाहर निकलने का तरीका देखता हूं। नीति, परी, मैंने कहा ना हिलो मत।
बस के दोनों टायर हवा में, अगर जरा सा भी बैलेंस आउट हुआ तो बस खाई में गिर सकती है। तुम बिल्कुल भी मत हिलो, मैं कुछ करता हूँ।